पहाड़ से चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। समझाया नहीं माना, डूब गया। कश्ती अपना सफर पूरा करके पार हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिनकी उम्र 1000 साल के करीब थी, जिन्होंने अल्लाह ताला के दीन के लिए हर तरह की कुर्बानी 950 बरस दी थी, वो बाप भी थे जाहिर है, तो उनको वो बेटा याद आ रहा था। उनको पता था कि बेटा किस अंजाम की तरफ चला गया है, कुफ्र की हालत में गर्क हो गया है, अजाब का शिकार हो गया है। तो जाहिर है कि एक बाप को अपने बेटे की और उसके इस अंजाम की तकलीफ़ थी। तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये अर्ज़ किया, काला ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين। बस इतनी बात कही, या अल्लाह मेरा बेटा मेरे घर वालों ही में से था, आपका वादा सच्चा होता है, आपने घर वालों को बचाने का वादा किया था, बेटा तो नहीं बच सका और आप अहकमुल हाकिमीन हैं, ये मुझे इकरार है। बारी ताला ने जो जवाब दिया, लरस जाता है आदमी उसको पढ़कर। पहली बात तो ये फरमाई कि या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये बात तो समझा दी कि वो आपका आपके घर वालों में उसका शुमार नहीं होगा। घर वालों में शामिल होने के लिए नसबी बेटा होना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके तरीक़े पर होना ज़रूरी है। दूसरी बात जो फरमाई है वो है, फ़ला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म इन्नी अऊज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। ये अल्फाज जो हैं रब ताला के अलावा कोई कह नहीं सकता। और आप सोचें कि मुखातब कौन है, मुखातब कोई आम इंसान नहीं है, वो उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक मुकद्दस पैगंबर जिसने अल्लाह के दीन के लिए हड्डियाँ घुला दीं। रब्बी इन्नी दाउतु कौमी लैलम व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा व इन्नी कुल्लमा दाउतुहुम लितग़फिर लहुम जअलु असाबिअहुम फी आज़ानिहिम واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا। क्या क्या तरीक़े उन्होंने इख्तियार किए जिनको बारी ताला ख़ुद नकल कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत, उसने जब अल्लाह ताला से अपने दिल का दर्द बयान किया तो बारी ताला ने जवाब दिया कि मुझसे ऐसी बात न पूछो जो तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें नादानों में से न होने की नसीहत करता हूँ, मैं नसीहत करता हूं कि तुम नादानों में शामिल ना हो। और इसका जो जवाब है बारी ताला का इरशाद, ये मकाम उलूहियत की बेनियाजी को ज़ाहिर करता है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो इस पर जवाब है वो बंदगी के आला मकाम की निशानदही करता है। قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم, अल्लाह मैं पना चाहता हूँ ऐसी बात का सवाल करने से जिसका मुझे इल्म ना हो। और फिर आप बंदगी की इंतहा देखें, वइल्ला तग़फिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, अगर आप मेरे ऊपर रहम नहीं करेंगे, मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मेरा तो खसारा हो जाएगा। ये नहीं कहा नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब में कि अल्लाह 950 साल आपके बंदों को ईमान की तरफ बुलाने का काम किया, इसके बदले में एक बेटा ही मुझे बख्श दिया जाता, मेरी रियायत में एक बेटे को रियायत दे दी जाती। नहीं, अपना हक नहीं जताया, अपनी बंदगी का इजहार किया, अपनी आजजी का इजहार किया। ये मकाम है अंबिया अलैहिस्सलाम का और अल्लाह के मुकर्रब बंदों का। और वो मकाम है बारी ताला का, यानी कहना यह है कि बारी ताला बेनियाज है, उनका दीन बेनियाज है, मोहताज हम हैं। तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला के शुक्र के जज्बात अपने दिल में रखने चाहिए। और जब ये जज्बा होगा तो फिर काम ठीक करना, ये खुद ब खुद इसका तकाजा पैदा होगा। हमारे ज़िम्मे जो भी काम हो, हम लोगों के ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं और सब दीन के काम हैं, पढ़ना पढ़ाना है, इमामत करना है, खिताबत करना है, और जो भी इससे मुतालिक सारे काम हैं सब दीनी काम हैं। मगर आप सोचें ज़रा
कि सबसे ज़्यादा शैतान के निशाने पर दीनी काम करने वाले ही रहते हैं। शैतान का असल निशाना है अल्लाह के बंदों को जहन्नम में पहुंचाना। वो कोशिश करता है पहले कि बंदा सही काम ना करे, अच्छा काम ना करे, गलत काम करे, लेकिन बंदा अगर उसके इस जाल में नहीं फंसता, अच्छे काम में लग जाता है, तो अब उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। उसका उसकी कोशिश होती है कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उस काम का इस बंदे को फ़ायदा ना पहुँचे, इस काम को इतना ख़राब कर दूं कि वो उसके हक़ में बेकार हो जाए। और उसका ख़ुलासा है कि नियत पे हमला करता है। सबसे पहला हमला शैतान का दीनी काम करने वालों की नियत पर होता है। और आपने पढ़ा है इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन इरशादात में से जिनके अंदर मजामीन का एक जहान आबाद है और बेशुमार जगहों पर वो जुमला मुंतबिक होता है। आप फ़िक़्ह की किताबों में बहस करते हैं कि नियत के बग़ैर आमाल दुरुस्त नहीं होते, नियत के बग़ैर आमाल का सवाब नहीं मिलता। उर्दू में तर्जमा करते हैं आमाल का दारो मदार नियत पर है। आप समझ लें कि नियत से अल्लाह ताला के यहाँ अमल की कदर व कीमत मुतय्यन होती है। वो हदीस सबको याद है कि क़यामत के दिन जब हिसाब शुरू होगा तो तीन आदमियों को पहले लाया जाएगा, एक आलिम, एक गनी और एक शहीद। तीनों कौन हैं? यानी तीनों को की जो मुश्तरक सिफत है वो दीनी काम करना है। तीनों दीनी काम करने वाले लोग हैं, आलिम भी और शहीद भी और मालदार भी, जो अल्लाह की राह में ख़र्च करता था। लेकिन तीनों के अमल में नियत सही नहीं पाई गई, लिहाजा जहन्नम में भेज दिया जाएगा। यानी गोया नियत सही ना होने से अमल की वैल्यू ख़त्म हो गई, अल्लाह ताला की नज़र में अमल की कदर बाकी नहीं रही। इस सिलसिले में जी चाहता है कि सबको याद रहे वो वाक़या, दो वाक़े मैं आम तौर से ऐसे मौके पर ज़िक्र करता हूँ। बात बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या सबको मालूम है कि उन्होंने एक मरतबा एक शख्स को मैदान में गिरा लिया, पछाड़ लिया और तलवार निकाल ली, बल्कि उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए, तलवार निकाल ली। हज़रत अली किसी को दबा लें तो वो बच जाए ये मुमकिन नहीं, मज़बूत बहुत थे, ताकतवर बहुत थे। आप में से जिन लोगों ने अरबी अशार कुछ पढ़े होंगे, हमासा वगैरह, उनको याद होगा कि उनके बारे में किसी शायर ने कहा था शदीदु मजामिल कतिफ़ैन, उनकी सिफत है कंधों के जोड़ बहुत मजबूत थे, इसीलिए उनकी जो तलवार थी वो मशहूर थी, भारी तलवार थी। और गालिबन निस्बत सही है, जो तुर्की के म्यूज़ियम में चीज़ें रखी हुई हैं वो खुलफा के पास मुंतकिल होती चली आई हैं, तोप कापे सराय में, तो वहाँ अगर देखें तो मुझे एक बड़े ने मुतवज्जे किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार सबसे चौड़ी और भारी है। मैंने भी देखा उसको फिर वहाँ, बाकी सबकी तलवारें रखी हैं, हज़रत खालिद इब्ने वलीद की तलवार सबसे लंबी है और हज़रत अली की तलवार चौड़ी और भारी है, हमसे तो उठेगी नहीं, अगर उठा लेंगे किसी तरह तो ऐसे उठाएंगे कि दोनों हाथों से पकड़ के उठा लें तो फ़ायदा क्या होगा, चलेगी कैसे, खाली एक बोझ के तौर पर हम उठा सकते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काबू में कर लिया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। तो उस आदमी ने ये किया कि हज़रत के मुंह पर थूक दिया, भाई इतना ही कर सकता था, वो कर लिया उसने। आम हालात के एतबार से, आम इंसानों के एतबार से थूकने के बाद उसकी मौत और जल्दी आनी चाहिए थी, मगर वहाँ मामला उलट गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको छोड़ के अलग खड़े हो गए। अब उस बेचारे ने देखा कि ये तो लगता है कि कुछ हालात बदल गए हैं, उसने उनकी तरफ देखा पूछने के लिए कि अब क्या प्रोग्राम है, ज़ाहिर है यही समझा जाएगा। तो हज़रत ने फरमाया कि अब मैं तुम्हें नहीं मारूँगा,
मैं तुम्हें जो मार रहा था वो अपनी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी, अल्लाह के लिए मैं ये काम कर रहा था, लेकिन जब तुमने मेरे मुंह पर थूक दिया तो अब मेरे नफ्स का गुस्सा भी शामिल हो गया। पहले से आला के सिर्फ़ अल्लाह के लिए था, लेकिन थोड़ा सा मिल गया अपना नफसानी गुस्सा, अब अगर मैं ये अमल करूँगा तो ये अमल खालिस अल्लाह के लिए नहीं होगा, छोड़ दिया। और यही तजर्बा हो गया कि जब अमल खालिस अल्लाह के लिए होता है तो वो मुफीद और नाफ़े बन जाता है, लिहाजा वो आदमी फौरन कलमा पढ़ता हुआ खड़ा हो गया, मुसलमान हो गया। हम लोगों के हालात पर ज़्यादा मुंतबिक है हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कानपुर में पढ़ाते थे और इसको समझने के लिए ज़रा सा पस मंज़र बताना पड़ता है। कानपुर के इलाके में खैराबाद एक जगह है लखनऊ के इलाके में, वो माकूलात का मरकज़ था। आप हज़रात उलमा हैं, आपको पता है कि दारुलूम देवबंद के क़याम से पहले उलूम के मरकज़ अलग अलग थे। दिल्ली हदीस का मरकज़ था और अरबी अदब का, और लखनऊ का फरंगी महल ये फ़िक्ह का मरकज़ था और खैराबाद माकूलात का मरकज़ था। दारुलूम देवबंद के निसाब में तीनों मरकज़ों की खसूसियात को जमा किया गया, इसीलिए इल्मी एतबार से भी वो फ़ाइक हो गया। लेकिन जिस ज़माने की ये बात है, वो ज़माना दारुलूम के क़याम पर बहुत लंबा अरसा नहीं गुज़रा था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब फ़ारिग हुए हैं तो 16-17 साल हुए थे दारुलूम के क़याम को, और उसके बाद वो कानपुर में पढ़ाने लगे थे, तो गया 20-25 साल के अंदर की बात है। उस ज़माने में खैराबाद के जो माकूलात के माहिरीन थे उनके दरमियान दारुलूम देवबंद पर एक तबसरा चलता था। वो ये था कि देवबंद वालों को कुरान और हदीस और फ़िका शरीयत के उलूम तो खूब आते हैं, माकूलात ज़्यादा नहीं आते। देवबंद वाले माकूलात के माहिर नहीं हैं, क्योंकि वो लोग तो माकूलात ही में जीते थे, माकूलात ही में सोते थे, माकूलात ही में जागते थे, उनका फ़न वही था। ये तबसरा होता था और उस खैराबादी स्कूल के एक बड़े माकूली मुदर्रिस उस्ताद थे, मौलाना लुत्फुल्ला अलीगढ़ी। वो पुराने मुदर्रिस थे, बूढ़े थे उस ज़माने में, और उनके शागिर्दों में बड़े बड़े लोग थे, नदवतुल उलमा के बानी मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी और अल्लामा शिबली नौमानी और माँ हबीबुर्रहमान शेरवानी, ऐसे ऐसे लोग उनके शागिर्द थे। वो भी कानपुर में रहते थे और जलसे में उनको भी दावत दी गई थी, और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को दावत दे रखी थी। हज़रत शेखुल हिंद पहुँचे, तकरीर शुरू हुई। तकरीर के दरमियान माकूलात का एक मसला आ गया और हज़रत शेखुल हिंद ने उस पर बोलना शुरू कर दिया। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का जो इल्म था वो अजीब व गरीब इल्म था, गहरा इल्म था, बड़ा इल्म था। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जो उनके उस्ताद और शेख थे, वो फरमाते थे कि मौली महमूद हसन इल्म का कुठला है। कुठला उसे कहते हैं जिसमें अनाज रखा जाता है घरों के अंदर, टंकी अनाज की कोठी आप क्या कहते हैं हमारे यहाँ, वो उसको पुराने ज़माने में वो मिट्टी का बनता था घरों के अंदर, उसे कोठी भी कहते थे, सही कहा आपने, और कुठला भी कहते थे। तो हज़रत शेखुल हिंद ने माकूलात के उस मसले पर बोलना शुरू कर दिया, तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने में जवान थे, उनके जहन में ये ख्वाहिश हुई कि काश इस वक्त मौलाना लुत्फुल्ला साहब आ जाएं, तो वो भी देख लेंगे कि उलमाए देवबंद माकूलात के कितने माहिर होते हैं। ये एक ख्वाहिश पैदा हुई दिल में कि शेखुल हिंद बोल रहे हैं और माकूलात का मसला आ गया है, तो लुत्फुल्ला अलीगढ़ी साहब आ जाएं तो वो भी देख लेंगे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह सुनाते हैं कि इधर मेरे दिल में तमन्ना हुई और फौरन पूरी हो गई, देखा कि वो लाठी टेकते हुए चले आ रहे हैं मौलाना लुत्फुल्ला अलीगढ़ी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए कि अब आएगा मज़ा, अब हज़रत शेखुल हिंद का इल्म इनके सामने खुलेगा और ये इनको पता चल जाएगा कि उलमाए देवबंद को माकूलात का भी कितना इल्म हासिल है। या ये वो मकाम आया जहाँ पहचाना जाता है खालिस अल्लाह के लिए अमल करने वाला इंसान। हुआ ये कि वो करीब आए तो हज़रत शेखुल हिंद की नज़र भी उन पर पड़ गई,
और हज़रत शेखुल हिंद ने एक नज़र भर के उनको देखा और कुछ सोचा और अचानक तकरीर बंद कर दी, मज़मून भी पूरा नहीं किया जो बयान कर रहे थे, तकरीर ख़त्म। अब कोई क्या कर सकता था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मायूस हुए, एक मौका आया था उस्ताद के इल्म के ज़ाहिर होने का, जलसा हो गया। जलसे के बाद वहीं पर एक आलिम थे मौलाना फ़खरुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत नानोतवी के शागिर्द थे, हज़रत शेखुल हिंद के कोई साथी थे वो, उन्होंने कहा, हज़रत थानवी की तो हिम्मत नहीं हुई, मौलाना फ़खरुल हसन साहब ने कहा कि क्यों हुजूर आपने अचानक तकरीर क्यों ख़त्म कर दी, तकरीर का तो वक्त ही वो आया था। वो आए थे, तकरीर का तो वक्त ही वो आया था। तो हज़रत शेखुल हिंद ने बहुत आहिस्ता से फरमाया कि जी हाँ, मेरे दिल में भी यही ख़्याल आ गया था, मेरे दिल में भी यही ख़्याल आ गया था, इसलिए मैंने तकरीर बंद कर दी, क्योंकि अब तकरीर करने का मतलब था अपने इल्म का मुजाहरा करना। अब मैं अगर तकरीर जारी रखता तो वो अल्लाह के लिए ना होती, मौलाना लुत्फुल्ला के लिए होती। कितना मुश्किल काम है, मगर यही है असल मेयार। तो हमें अपने सब कामों में अपनी नीयत को ठीक रखना है। नीयत ठीक रखने के बाद फिर अमल ठीक रखने का नंबर आता है। जो काम हमारे हवाले किया जाए उस काम को हम दियानत और अमानत के साथ करें। दो तीन बातें उमूमी तौर पर उलमा से मैं कहा करता हूँ, वो ज़रूर कहनी है। एक बात तो ये कि इल्म को बढ़ाते रहने की फ़िक्र करें। आम तौर से, माफ़ कीजिएगा, ये आप ही से नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी जाना हुआ ये गुस्ताखी की है आम तौर पर, कि हमारे पूरे तबके की जो मुश्तरक कमज़ोरी चल रही है वो पढ़ने की कमी है, मुताले की कमी। हम में से जो लोग पढ़ते हैं वो मजबूरी में पढ़ते हैं और बकदरे मजबूरी पढ़ते हैं। मैं कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा हूँ, मजबूरी क्या है, अगर मदरसे में पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए जितना मुताला चाहिए वो करते हैं, और अगर इमाम साहब हैं तो जुमे का खिताब फरमाने के लिए जितना चाहिए उसकी तैयारी कर लेते हैं और बस छुट्टी हो गई। अगर जलसे में बयान करना है तो उसके लिए तैयारी कर ली, बल्कि बयान की तैयारी करके बोलने वाले गनीमत हैं, वरना हम में बहुत सारे लोग तो अपना हिफ्ज़ ही सारा काम चला लेते हैं, आला तूल चलता रहता है। तो आप सोचें ज़रा, जब इतना महदूद पढ़ा जाएगा तो इल्म कैसे बढ़ेगा। पढ़ने का क्या मेयार हो, हकीकत तो ये है कि हर वक्त पढ़ना चाहिए, कम से कम इतना तो हो कि आदमी ने वो तमाम उलूम जिनकी ज़रूरत पड़ती है। एक आलिम को इस्लामी माशरे में, मुसलमानों के माशरे में, क़ुरान के इल्म की ज़रूरत पड़ती है, तफसीर, हदीस के इल्म की ज़रूरत पड़ती है, फ़िक्ह की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ इस्लाही मौजूआत की ज़रूरत पड़ती है। तो हर मौजू पर उसने 10-20 हज़ार सफ़ात तो पढ़ रखे हों कम से कम। ये छोटे से छोटा मेयार मैंने अर्ज़ किया है। आप मुझे बताएं, कुरान की एक भी तफसीर पूरी ना पढ़ी हो तो क्या आलिम बना आदमी। कुरान की तफसीर तो कम से कम 20-30 तफसीरें पूरी पढ़ लेनी चाहिए एक आलिम को। हज़रत ने 2-3 साल पहले, हमारे हज़रत पीर साहब ने दामत बरकातुम, एतिकाफ़ में रात के बयान का मौजू बनाया सूरह कहफ़ को, 10 दिन तक सूरह कहफ़ पर बयान फरमाया। तो पहले दिन ये बताया कि सूरह कहफ़ को समझने के लिए मैंने 120 तफासीर का मुताला किया, जिनमें फ़ारसी, अरबी, उर्दू, इन सब ज़बानों की तफासीर थी। 120 तफासीर में मुताला करके फिर बयान किया। चलिए अगर हम 120 ना करें, 0 हटा दें, 12 का तो कर लें, 1 दर्जन का तो कर लें। मैं आम तौर से अपने साथियों से कहता हूँ, अपने तलबा से कहता हूँ कि रोज़ाना की एक मकदार मुकर्रर करो। एक नॉर्मल आदमी जो हम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारता है,
उसके पास आराम से 2-3 घंटे पढ़ने का वक्त होता है। तो अगर हम सब ये मुकर्रर कर लें कि रोज़ाना कम से कम 100 सफ़हात पढ़ेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना। शुरू में भारी है, मैं ये खामखा वो नहीं करता, शुरू में जब तक आदत ना हो तो भारी पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आदत बन जाएगी बिल्कुल आसान हो जाएगा, मुताले की रफ़्तार भी तेज़ हो जाएगी, याद भी रहने लगेगा। तो आप हजरात से अगर ये कहा जाए, ये गुजारिश की जाए कि इसका इरादा कर लें तो कैसा रहेगा। इंशाल्लाह रोज़ाना 100 सफ़े पढ़िए। और इसमें 2-3 बातें अर्ज़ करूँ मैं, दो मुतज़ाद सी बातें। एक बात तो ये कि ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी ज़्यादा नहीं। वजह क्या है, एक आदमी रोज़ाना 100 सफ़े पढ़े तो एक साल में कितने 1000 सफ़ात होंगे, 36,000, एक महीने में 3,000 हो जाएंगे, और 12 या 36, एक साल में 36,000 सफ़ात होंगे। अगर कोई आदमी 50 साल तक रोज़ाना यही काम करे तो कितने बनेंगे, 18 लाख। भाई अगर 100 साल करे तो 36,000 के 36 लाख हो जाएंगे, तो उसका आधा कर लो, 18 लाख। 18 लाख सफ़ात बनते हैं। आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा दीनी ज़खीरा उलूम का इससे कहीं ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल, इससे बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ रोज़ाना 100 सफ़ात पढ़े तब भी बहुत कुछ नहीं हुआ। ये तो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि बहुत हो गया। अगर रोज़ाना 100 सफ़े पढ़े तो बहुत कुछ पढ़ लिया। क्यों, जिन लोगों की फ़रागत को जितने भी साल हुए हों, वो अपनी फरागत से अब तक का हिसाब लगाकर सोचें कि अब तक कितने 1000 सफ़ात पढ़े उन्होंने। कुछ ऐसे होंगे जिनकी फरागत को 10 साल हो गए, इस 10 साल में क्या 1,00,000 सफ़े पढ़ लिए, 50,000 पढ़ लिए। अक्सर वो लोग हैं जिन्होंने हो सकता है 10-5 हज़ार सफ़ात पढ़े हों। इसका मतलब ये हुआ कि इस निज़ाम के साथ पढ़े बगैर 20 साल में भी 50,000 सफ़ात नहीं हो रहे, और इस तरह पढ़ने से हर साल 36,000 सफ़ात हो जाएंगे, तो 10 साल में 3.5 लाख हो जाएंगे, 3,60,000 हो जाएंगे। आप देखें बहुत हो जाएगा अगर रोज़ाना इस तरह हम करें तो। इरादा कर लीजिए, जब करेंगे तो आसान हो जाएगा। दो बातें और होंगी। तलबा के जहन में सवाल बहुत आता है कि एक तो पढ़ते तो हैं याद नहीं रहता, एक ही बात है बस, ये एक सवाल है ये कि पढ़ते हैं याद नहीं रहता। इसके दो जवाब हैं। एक जवाब ये है कि आपको गलत फहमी है, याद रहता है, ये गलत है कि याद नहीं रहता। और उसकी दलील ये है कि जब आप पढ़ते हैं कोई चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन वही मज़मून कभी उसकी ज़रूरत पेश आए तो याद आता है या नहीं आता। और पूरा मज़मून ना भी याद आए, इतना तो याद आता है कि ये फलां जगह पढ़ा था, या इतना भी याद नहीं आता, भाई मकसद हासिल हो गया, पढ़ने का फ़ायदा हो गया। दूसरा जवाब ये है कि पढ़ने का असल मकसद याद रखना नहीं है, असल मकसद जहन के मुस्तवा को ऊंचा करना है, जहन के मेयार को बढ़ाना है, सोच को इल्मी बनाना है, आलिमाना सोच अपने जहन में पैदा करना है, वो हासिल हो जाएगी। जितना भी आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा इल्मियत आपके मिजाज में आ जाएगी। तो ये काम, एक तो ये काम है कि आप पढ़ने का मामूल बना लें। हमारे बड़ों ने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, अल्लामा इब्ने तैमिया के बारे में लिखा है कि वो हर वक्त मुताला करते रहते थे। जब बैतुल खला जाते थे तो अपने खादिम को किताब दे देते थे कि बैतुल खला के बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से पढ़ते रहो, मैं अंदर सुनता रहूँगा। यानी उस वक्त को भी इल्म से खाली नहीं रखना चाहते थे। एक वो थे मुहद्दिस और कारी थे, नाम भूल रहा हूँ, हमेशा भूल जाता हूँ उनका नाम। उनको कुरान पढ़ने की आदत थी। अगर किसी को कुरान पढ़ने की आदत हो जाए तो कुछ भी ना पढ़े, वो सब का सारे काम हो जाएंगे उसके, उसके लिए कुरान ही काफ़ी है। उनको कुरान पढ़ने की इतनी आदत थी कि जब वो बैतुल खला में बैठते थे तो कभी कभी ज़बान पकड़नी पड़ती थी, वरना कुरान जारी हो जाता था।
ज़बान पर, ऐसा पढ़ा है हमारे बड़ों ने। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बीमार थे और उसी बीमारी में इंतकाल हुआ। कारी हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मिलने के लिए गए तो देखा रोशनी भी कम हो रही है, तकलीफ़ भी बहुत है और किताब पढ़ रहे हैं, मुताला जारी है। तो उन्होंने कहा कि हज़रत ऐसा कौन सा मसला रह गया है जो अभी तक आपकी नज़र से नहीं गुजरा है, आपने तो सभी कुछ पी रखा है, और अगर बिलफर्ज़ कोई ऐसी नई बात आपके जहन में आ भी गई जिसको आप तलाश करना चाहते हैं किताबों में, तो हम खुद्दाम जो हैं वो इस काम के लिए मौजूद है, आप हमें फरमा दें, हम तलाश करके पेश कर देंगे। तो हज़रत ने फरमाया कि आदत है, मेरी आदत है लिहाजा पढ़ रहा हूँ। उनके निस्बती भाई थे हकीम महफूज साहब जो तिब के बड़े माहिर थे, उन्होंने कहा कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपको मुताला नहीं करना चाहिए, अब मुताला छोड़ देना चाहिए। तो हज़रत ने फरमाया कि तुम हकीम हो, तबीब हो, तिब्बी एतबार से साबित करो कि मेरे लिए मुताला करना नुकसानदेह है। अब वो चेहरा देख रहे, तो हज़रत ने फरमाया कि देखो बीमारी में वही काम तो नुकसान देता है सेहत को जिसके करने से आदमी की तबीयत पर बोझ पड़े, और मुताला करने से मेरा बोझ दूर होता है तो मेरे लिए मुफीद हुआ, नुकसान देह हुआ तिब्बी एतबार से, यानी मेरी सेहत के लिए पढ़ना मुफीद है। हालांकि सख्त तकलीफ़ थी लेकिन पढ़ते रहते थे। तो हम सब इंशाल्लाह इरादा करें रोज़ाना इतना मुताला करने का, और जब जिक्र आ गया है तो कम से कम एक पारा उस बेचारे का भी पढ़ लिया करें जिसे हमने छोड़ रखा है। गुस्ताखी माफ़ फरमाएं, ये मैंने अपने जैसे लोगों के तर्ज अमल को देखकर कहा है। कुरान करीम, वो हमारे यहाँ एक पड़ोस के मेहमान आए थे एक मरतबा, तो बड़े लोग थे, प्रोग्राम मस्जिद रशीद में शुरू हो गया, वो मेहमान खाने में थे, मैं उनको बुलाने के लिए गया, मैं प्रोग्राम चला रहा था। मैंने जाकर कहा कि चलें प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि अभी क्या चल रहा है, तो मैंने कहा कुछ तलबा पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ या नज़म वग़ैरह। तो उनके साथ में एक साहब थे, वो भी बड़े आदमी थे, मशहूर लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बेजाबता प्रोग्राम चल रहा होगा, मजाक किया उन्होंने, मैंने नहीं बोला था ये लफ्ज़ लेकिन उन्होंने कहा, तो मैंने कहा वही है जिसको बेजाबता कहा जाता है, चलता है ना, असल प्रोग्राम शुरू होने से पहले कोई तिलावत कर रहा है, कोई नात कर रहा है, उसे कहा जाता है बेजाबता प्रोग्राम। तो उस पर उन्होंने सुनाया कि उनके वालिद का मदरसा था और एक तालिब इल्म आया दाखिले के लिए, और उसे दाखिला लेना था हिफ्ज़ में, कुरान हिफ्ज़ करने के लिए, तो वो कई मदरसों से नाकाम होकर आया था, चूँकि देर हो गई थी दाखिले में, वो गया एक मदरसे में, मौतिम शाह ने माजरत कर दी, उन पूछा क्या पढ़ना है, कहा कुरान पढ़ना है, कहा नहीं कुरान के दर्जे में दाखिला बंद हो गया, अरबी में लेना हो तो हो सकता है, दूसरी जगह गया वहाँ भी यही हुआ, क्या पढ़ना है कि कुरान पढ़ना है, पता चला कुरान के दर्जे में दाखिला बंद हो गया, अगर अरबी में लेना हो तो हो जाएगा, दो तीन जगह यही जवाब मिला। अब वो इनके मदरसे में आया तो इनके वालिद ने पूछा कि क्या पढ़ना है, कहने लगे यही मोहतमिमों का दुश्मन कुरान। तो उन्होंने पूछा भाई क्या ये क्या बात हुई, तो फिर उसने इस किस्सा सुनाया कि जहाँ जाता हूँ ये कहते हैं कि अरबी में हो जाएगा दाखला और कुरान पढ़ना है तो बंद हो गया दाखला। इसलिए मैंने कहा था कि उसका भी एक पारा पढ़ लिया करें, आप में बहुत से लोग पढ़ते होंगे लेकिन हमारे तबके में इस मामले में बड़ी कोताही पाई जाती है, और हमारे ज़माने में पूरा कुरान पढ़ने वाले लोग भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना पढ़ने वाले, लेकिन हम जैसे कोताह लोगों के लिए इतना काफ़ी है अगर पाबंदी कर लें कि रोज़ाना एक पारा पाबंदी से पढ़ें, क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़ने का इरादा करते हैं लेकिन कम भी पढ़ा नहीं जाता, पाबंदी जो है वो नहीं हो पाती। अगर आप पाबंदी से एक पारा रोज़ पढ़ेंगे तो पूरे साल में रमज़ान के अलावा 11 कुरान शरीफ हो जाएंगे, और वैसे आम हालात में नहीं होते, चाहे आप कई पारे पढ़ते हो तब भी नहीं होते, इसलिए कि वो पाबंदी से नहीं पढ़े जाते। हमने ऐसे लोगों को देखा है तारीख़ के हिसाब से पढ़ते थे, पहली तारीख को पहला पारा, दूसरी तारीख को दूसरा पारा,
यानी उनको तारीख याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, ये याद कर लेना है कि आज हमने कौन सा पारा पढ़ा है, कौन से नंबर का पारा। अगर चांद 29 का हो गया तो पहली तारीख को दो पारे पढ़ लिए, चांद 30 का हुआ तो मामूल के मुताबिक चलता रहा। इस तरह बाज़ हज़रात को करते हुए देखा है। और उसके बाद रमज़ान का नंबर आता है, तो रमज़ान तो है ही कुरान का महीना, रमज़ान अल्लाह का महीना है और कुरान का महीना है, उसमें तो कुरान पढ़ना है। मुझे बाज़ हज़रात ने मुतवज्जे किया है कि रमज़ान में तरावी के सिलसिले में, तरावी में कुछ बेअतदालियाँ होती हैं, उनके बारे में कुछ बात की जाए। मेरा ख़्याल है आप हज़रात को मैं बताऊं, ये तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे उल्टे बांस बरेली को कुरान पढ़ने के बारे में। आप सब मुझसे अच्छा पढ़ना जानते होंगे, लेकिन इतना जहन में रखें कि कुरान करीम का अपना एक हक़ है। वो जो हदीस है कि रुब्बा तालिन यतलुल कुरान वल कुरान यलअनुहु, इसके दो मतलब उलमा ने बयान किए हैं। आदमी कुरान पढ़ता है और कुरान उस पर लानत कर रहा होता है। एक मतलब तो यह है कि कुरान में कुछ चीज़ों को, कुछ गुनाहों पर लानत की गई है, आदमी वो पढ़ रहा है और ख़ुद उस गुनाह में मुब्तला है, तो कुरान उस पर लानत भेज रहा है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, ये कुरान में है। और आदमी झूठ बोल भी रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, तो कुरान पढ़ते पढ़ते लानत भी उस पर आ रही है। एक मफहूम तो ये है, और एक मफहूम यह है कि कुरान पढ़ रहा है लेकिन कुरान को सही नहीं पढ़ रहा है, कुरान के हरूफ कट रहे हैं, अदायगी सही नहीं हो रही है, तो वहाँ भी कुरान उस पर लानत करता है कि आदमी कुरान पढ़े और कुरान का हक अदा न करे। तो इस एतबार से हम सब को बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। कुरान पढ़ने में रमज़ान में जो बेएहतियाती होती है वो आम तौर से मुक्तदियों की रियायत में होती है। तरावी 20 पढ़नी है, ये पक्की बात है। अब 20 रकात पढ़ के आदमी वैसे ही अल्लाह मियाँ पे एहसान कर लेता है, ये सोचता है कि 20 रकात पढ़िए खड़े होकर, अब उसमें कारी साहब की किरात भी सुने, यानी कुरान भी देर तक पढ़ा जाए, तो वो भारी होता है लोगों के लिए। लेकिन आप ये बात याद रखें कि आप लोगों को जैसी आदत डालेंगे वैसी आदत पड़ जाएगी। आप लोगों को समझाएँगे कि सुन्नत के मुताबिक पढ़ना है, मकसद ही ये है कि सुन्नत के मुताबिक हो, सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा तो फ़ायदा क्या, तरावी है ही सुन्नत और वो भी सुन्नत के ख़िलाफ़ पढ़ी जाए तो फ़ायदा क्या हुआ। तो लोगों को अगर आप समझाएंगे मान जाएंगे लोग। इसी ज़माने में और हम सब के इलाकों में क्या बहुत से हजरात ऐसे नहीं हैं जो कुरान बहुत ठहर ठहर के भी पढ़ते हैं और उनके पीछे ज़्यादा मजमा होता है? नहीं होता ऐसा? हर इलाके में हमने ऐसे लोग देखे हैं। हमारे कारी साहब जो हैं तरकेसर वाले, कारी सिद्दीक साहब, कितना ठहर कर पढ़ते हैं वो, मैंने उनकी कैसेट सुनी है, क्लिप सुनी है, तो वो क्या शानदार उनका कुरान करीम है। बहुत टाइम लगता होगा उनकी तरावी में ऐसा लगता है सुनकर, लेकिन मैंने सुना है मजमा बहुत होता है। डाले लोग वैसे हो जाते हैं। अब यूं अगर इमाम नादान मुक्तदियों के ताबे होकर ख़ुद भी नादान बन जाए तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। इमाम का लफ्ज़ बोलते ही मुझे कई बातें, कई लतीफ़े इमामों के याद आ गए। एक आध में सुनाता हूँ, ये तो सच्चा वाक़िया है जो मैं सुना रहा हूँ। दारुलूम देवबंद के उस्ताद थे हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम बस्तवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सुनाया था। बेंगलोर का, कर्नाटक का वाक़िया है। वहाँ एक बड़े आलिम गुजरे हैं मौलाना अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो अमीर शरीयत थे वहाँ के। वो सफ़र कर रहे थे, रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया, एक मस्जिद में, एक मस्जिद के पास उन्होंने गाड़ी रोकी और नमाज में शरीक हो गए। इमाम साहब ने पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दी। अब दूसरी रकत में उनकी समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ें, हालांकि बहुत आसान था मसला। मसला ये कि भाई अगर पहली रकत में सूरह नास पढ़ दी तो अब पूरे कुरान में से कहीं से भी पढ़ सकते हैं अगली रकत में, वो जायज़ है पढ़ना, भोले से होता है ऐसा। लेकिन उस बेचारे को ये मसला मालूम नहीं था, तो उसने क्या किया, सूरह फातिहा पढ़ी दूसरी रकत में, जैसे पढ़ने की आदत थी बिल्कुल ठीक पढ़ी, और उसके बाद इस तरह करके जैसे कई आयतों पर वक्फ किया हो, और रकत पूरी कर दी, कुछ नहीं पढ़ा सूरह फातिहा के बाद करके और रुकू कर दिया। तो हज़रत मौलाना अबू सऊद साहब ने नमाज के बाद इमाम साहब को अपने करीब बुलाया और उनसे कहा कि इमाम साहब आपने पहली रकत में सूरह फातिहा पढ़ी बहुत अच्छी,
साफ सुथरी समझ में आई, कुल औज़ु रब्बिन्नास पढ़ी वो भी समझ में आई, दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ी वो समझ में आई, लेकिन उसके बाद आपने क्या पढ़ा? तो अब इमाम साहब समझ गए कि ये तो पोल खुल गई। तो उन्होंने कहा कि पढ़ लिया हमने जो पढ़ा, आपको क्या मतलब? उन्होंने कहा नहीं, मतलब तो ये है ना कि और सब चीज़ें समझ में आ रही, वो क्यों समझ में नहीं आया जो आपने वहाँ पढ़ा है? तो जब मुक्तदियों ने देखा कि इमाम साहब पर ये मौलाना एतराज़ कर रहे हैं, तो मुक्तदियों ने इमाम साहब का साथ देना शुरू कर दिया कि हमारे इमाम साहब इतने पुराने, आप इनकी गलती निकाल लें। तो मौलाना समझ गए कि कोई इलाज नहीं है, खामोश हो गए और अपनी नमाज दोबारा पढ़ के वहाँ से रुखसत हो गए। तो अगर जहालत का यह आलम हो तो फिर ये भी होता है। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने तज़किरतुल अज़किया में बहुत सारे वाक़ियात लिखे हैं। लिखा है कि एक साहब एक मस्जिद में पहुँचे, एक आलिम, तो इमाम साहब ने उनसे कहा कि एक बात पूछना चाहता हूँ, आप शायद आलिम हैं, कहा पूछो। कहने लगे ये सूरह फातिहा में इय्याका नाबुदु व इय्याका तिसईन है या सबईन है? नस्तईन को तिसईन है या सबईन है? तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो? कहा मैं तिसईन पढ़ देता हूँ, चूँकि वो ज़्यादा है, उसमें सबईन भी आ जाता है। कहा कितने ज़माने से नमाज पढ़ा रहे हो? कहा कि 30 साल से, 30 साल से नमाज चल रही है और सूरह फातिहा सही नहीं है। एक से एक मामलात होते हैं। खैर, कहना यह है कि लोगों को आप जैसा आदि बनाएं, कोशिश कीजिए कि लोगों को सुन्नत का आदि बनाएं। ये सही है कि लोगों पर बोझ नहीं डालना है, खुसूसन आम नमाजों में मिजाज होना चाहिए लोगों की रियायत करके सुन्नत के मुताबिक पढ़ने का। हमारे बुज़ुर्गों में आम तौर से ये एहतमाम है कि फ़र्ज़ नमाज जब आप पढ़ा रहे हों तो तस्बीह 5 मरतबा कहें, बस उससे ज़्यादा ना कहें। बाज़ इमामों के पीछे खड़े हो जाओ तो आराम से 13 तो हो ही जाती हैं, तो यकीनन ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं है इसकी। फ़र्ज़ नमाज मन अम्मा कौमन फल युखफ़िफ बिहिम, यह है। तो तरावीह में ये सब लिहाज रखा जाएगा, लेकिन कुरान पढ़ने में, कुरान पढ़ने में कम अज़ कम इतना अहतमाम ज़रूरी है कि कुरान गलत ना पढ़ा जाए, सही कुरान पढ़ा जाए, सुन्नत के मुताबिक पढ़ा जाए, तो इंशाल्लाह सवाब भी होगा और लोग भी राज़ी रहेंगे। असल तो ऐसे मामलात में उसूल ये है हमेशा कि जो अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा किया जाए, तो बंदे भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाते हैं। बंदों की रज़ा के लिए अल्लाह की रज़ा को छोड़ा जाए तो नुकसान हो जाता है। यह ज़िंदगी के हर मामले में है कि बंदों को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बंदों के हवाले कर देंगे, और अगर अल्लाह को राज़ी करने का अहतमाम करोगे तो फिर अल्लाह ताला बंदों को भी तुम्हारे साथ कर देंगे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। बहरहाल खुलासा यह है कि हम सब अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें, और हमारे ज़माने में जो ऊंच नीच होती है, जो कमज़ोरियां हमारी राय में होती हैं, बहुत सी मरतबा हमसे समझने में बात की गलतियां होती हैं, उनकी बुनियाद यही है कि हम अपने इल्म को ताज़ा नहीं करते रहते, इल्म में इजाफ़ा नहीं करते, बल्कि जुमूद पैदा करके रखते हैं। अब इंशाअल्लाह हम इसका ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे काम लेंगे, हमारी सलाहियतों का सही इस्तेमाल होगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। जज़ाकुम अल्लाह। एक जुज़ और है जिसकी तरफ हज़रत मौलाना साकिब साहब ने तवज्जो भी दिलाई, उसको हमेशा जहन में रखें कि उलमा की जो खिदमात हैं उनके अंदर इफादियत नाफ़ियत पैदा होती है उसी वक्त जब वो इल्म अमल के साथ मिला होता है, अल्लाह की याद के साथ जुड़ा होता है। इस सिलसिले में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन बात चूँकि मैं ख़त्म कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको नए सिरे से नहीं छेड़ता, लेकिन जहन में ये रखें हमेशा कि अपनी इस्लाह की फ़िक्र करते रहें। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि जो छोटा बन के अपनी इस्लाह की फ़िक्र ना करे, वो बड़ा बन के दूसरों की इस्लाह करने लगे तो नहीं होता कुछ, कभी फ़ायदा नहीं होगा। आप गौर करेंगे तो बहुत सारे मामलात में ये चीज़ ख़ुद समझ में आ जाएगी कि जब हमने छोटा बनके अपनी इस्लाह के लिए मेहनत नहीं की है तो हम बड़े बनके दूसरों की इस्लाह करने में लग जाएं तो हमसे इस्लाह नहीं होगी, होता ही नहीं, बस एक काम चल जाता है, एक रस्म पूरी हो जाती है। लेकिन जो नाफ़ियत है, जो इफ़ादियत है,
इल्म की और जो लोगों के साथ की तरफ आपका फैज़ पहुंचना चाहिए उसके लिए उसकी ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन। या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اے اللہ ہم سب کی یہ دعائیں قبول فرما لیجئے، ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں علم نافع اور رزق حلال واسع عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیجئے اور ہمارے علم میں، ہماری عمر میں، ہمارے رزق میں، ہمارے کاموں میں، ہماری نیتوں میں، ہمارے ارادوں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پورے مجمع پر اور پورے شہر پر اپنی رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجئے، ہمیں دلوں کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے اچھے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو بیماریوں سے شفا دے دیجئے اور جس کے سامنے کوئی پریشانی ہے وہ دور فرما دیجئے۔ ہم سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے اور ہم سب کا انجام بہتر فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ و خیر الدعاء و خیر النجاح و خیر العمل و خیر الثواب و خیر الحیاۃ و خیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔